नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। साध्वी प्राची ने किया राष्ट्रपिता का अपमान। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद के 50वें वार्षिक समारोह में साध्वी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे। साध्वी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आजादी में दिए गए योगदान पर भी सवाल उठाया। साध्वी ने कहा कि देश चरखा चलाने से आजाद नहीं हुआ, बल्कि वीर सावरकर और भगत सिंह जैसे सपूतों के बलिदान देने से आजाद हुआ है। महंगा होगा प्लेटफॉर्म टिकट। रेलवे बोर्ड प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 1 अप्रैल से दोगुना करने जा रहा है। इससे अब तक 5 रूपए में मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट 10 रूपए का हो जाएगा। भीड़ वाले समय में रेट और भी बढ़ाया जा सकता है। यह कवायद प्लेटफॉर्म पर होने वाली अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए की जा रही है। प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाने के संबंध में अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल से रेट बढ़ना लगभग तय है। मोदी ने ली गैर हाजिर सांसदों की क्लास। लोकसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे भाजपा के 2 दर्जन सांसदों को संसदीय दल की बैठक में भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इन सभी सांसदों का बाकायदा नाम लिया और इन्हें खड़े होने को भी कहा। इनमें पार्टी के तेजतर्रार सांसद वरुण गांधी, मुंबई से सांसद पूनम महाजन और मंत्री बाबुल सुप्रियो भी शामिल थे। खास बात यह रही कि वोटिंग के दौरान नदारद रहे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा बैठक में भी नहीं थे। कालेधन विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कालेधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे कर विभाग को विदेशों में जमा कालेधन का पता लगाने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे। इसमें अपराध हेतु कड़ी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान भी होगा। विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है।